आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में लर्न करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस का जो बेसिक्स है वो लर्न किया था। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे क्या होगा। देखिए, ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन के लिए नोटेशन लिया मैंने, बिटवीन एवरी टर्म एंड द वन प्रीसीडिंग, यानी कि उससे पहले वाली टर्म, एंड द वन प्रीसीडिंग इज कॉल्ड एन एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड द वन प्रीसीडिंग इट, एवरी टर्म का उससे पहले वाली डिफरेंस के साथ जो है डिफरेंस ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहे, कॉन्स्टेंट का मतलब वो सेम रहे, दैट इज कॉल्ड एपी। और जो ये कॉन्स्टेंट डिफरेंस होगा बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, द कॉन्स्टेंट डिफरेंस द कॉन्स्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, द कॉन्स्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस एंड इज डिनोटेड बाय डी। जो एक कॉन्स्टेंट डिफरेंस होगा उसकी जो नोटेशन होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से। स्मॉल डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। या फिर और क्या कर सकते हैं हम, ए सीक्वेंस ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन एंड सो ऑन इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस, इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस, यानी कि वो सीक्वेंस एपी में होगी, या उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इफ इफ ए एन प्लस वनथ टर्म इज इक्वल टू ए एन प्लस डी वेयर एन बिलोंग टू एन, यानी कि एन कोई भी नेचुरल, यानी कि एक टर्म है तो इससे लास्ट वाले टर्म में अगर डी कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो ये टर्म आए, और डी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, और डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन प्लस वन माइनस ए एन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट बचा, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, ए एन प्लस वन एथ टर्म माइनस एन एथ टर्म। जो ये ए वन है बच्चे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और डी होगा आपके पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो लिख भी सकते हैं आप ए वन को हम क्या कहेंगे, जो वो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होगी, ए वन मीन्स फर्स्ट टर्म, ए टू मीन्स सेकेंड टर्म, और इसी तरीके से जो डी है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में इसको लिख लेंगे सी डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक, कोई भी सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल के लिए 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर ए वन फर्स्ट टर्म कितनी है, टू, ए टू सेकेंड टर्म कितनी है, फोर, ए थ्री थर्ड टर्म कितने हैं बच्चों, सिक्स, और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस देखो, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2 8 माइनस, तो डी आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा इन जनरल,
इन जनरल ए ए प्लस डी, यानी कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए। देखिए फर्स्ट टर्म थी ना कॉमन, टू प्लस टू फोर, फिर सेकंड टर्म में ऐड कीजिए ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन डिनोट्स एन ए पी। ये जनरल फॉर्म होगी इसके बच्चों, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी डिनोट्स एन ए पी होज होज फर्स्ट टर्म इज ए एंड एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। यहां पर जो कॉमन डिफरेंस हो क्या हो जाएगा आपके पास डी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। जनरल टर्म ऑफ एन ए पी, ए पी की जो जनरल टर्म है वो क्या होगी, एन एथ टर्म, यानी कि जनरल टर्म मतलब एन एथ टर्म। तो कोई भी एपी कंसिडर कर लेंगे हम, लेट द एपी बी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन वेयर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। nth टर्म क्या होगी एपी की, फॉर्मूला आपको लर्न करना है, nth टर्म ऑफ एन एपी इज ए एन इज इक्वल टू ए, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी का रिजल्ट हो जाएगा आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, नोट कीजिएगा। उसके बाद एक रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने किसी सीक्वेंस को चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कोई भी सीक्वेंस आप पहले फाइंड करेंगे वी फाइंड ए एन प्लस वन माइनस ए एन, यानी कि एन प्लस वन एथ टर्म से एन एथ टर्म माइनस कर देंगे। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, रिजल्ट हैं किसके, हाउ टू चेक सीक्वेंस इज एन ए पी, कोई सीक्वेंस ए पी में है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप वी फाइंड ए एन प्लस वन माइनस ए एन। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, इफ ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इफ ए एन प्लस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, यानी कि अगर डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एन आता उसमें एन का कोई रोल नहीं है, देन then the given sequence is an AP, then the given sequence is an AP, otherwise not, otherwise not, यानी कि an plus one minus an का difference कर देंगे। result number एक था, result number two nth term of an AP, nth term of an AP from the end, from the end से nth term क्या होगा बच्चों, जैसा कि हमने binomial में किया था यहां पर भी उसी तरीके से काम होगा। ठीक है, a first term होगी, d आपके पास common difference होगा, तो result क्या बन जाएगा, nth term of an AP from the end is equal to a m minus n plus 1,
ये आपके पास फार्मूला रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, एम और एन देख लेते हैं बच्चों, हम क्या रहेगा, एम तो रहेगा आपके पास एपी के पास कितने टर्म है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। एपी के पास 6 टर्म है या 7 है, एम का मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम एंड, वो हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। एम एन में कंफ्यूज नहीं होना, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। एम का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका रिजल्ट यूज कीजिए, क्या आएगा, ए एम माइनस एम का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस एन और प्लस वन कर देंगे, इज इक्वल टू जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या सीखा था बच्चे आप, ए इज इक्वल एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ये जनरल टर्म ऑफ। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस वन से वन कैंसिल, एम माइनस एन, ये रिजल्ट याद रखना आपको। nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ए एम माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस एन डी। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, अगर आपके पास कोई एपी गिवन है उसमें अगर से आप सेम कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को ऐड करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एपी का जो बिहेवियर है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि वो एपी ही बनी रहेगी। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 3, इन एन एपी ऑफ एन टर्म्स द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस इन एन एपी ऑफ एन टर्म्स द सम ऑफ द टर्म्स द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू द एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। लिखिएगा रिजल्ट, लिखिएगा। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एपी है बच्चे, कोई एपी कंसीडर कर लेते हैं हम, 3, 5, 7, 9, 11 और इन एन एपी ऑफ एन टर्म्स द सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि फ्रॉम द इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग क्या बच्चों, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग, इसका मतलब क्या है कि आप बिगनिंग की फर्स्ट टर्म और लास्ट की फर्स्ट टर्म लीजिएगा, 3 + 30 दोनों का सम कीजिएगा कितना आएगा, 60। स्टार्टिंग की सेकंड टर्म और लास्ट सेकंड टर्म का सम कीजिएगा, इक्वी डिस्टेंस का मतलब इधर से भी सेकंड इधर से भी सेकंड, 5 + 11 क्या आएगा, 16। इधर से थर्ड और लास्ट से भी थर्ड का सम कीजिएगा, 7 + 9 क्या आएगा, 60। ये कहता है द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम, सेम आया, एंड इक्वल किसके आएगा, एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, किसके इक्वल आया, 16 के इक्वल। तो ये रिजल्ट ये है, ये रिजल्ट नंबर 3 किया हमने। उसके बाद देखिएगा रिजल्ट नंबर 4। अब हमें एपी की जो कुछ सर्टेन टर्म्स हैं वो हमें कंसिडर कैसे करने हैं बच्चों, तो उसके लिए अगर आपको 3 टर्म्स एपी में कंसिडर करनी है तो आप ये लेंगे ए माइनस डी ए ए प्लस डी। अगर कहीं पर 3 टर्म्स आपको कंसिडर करनी है तो 3 टर्म्स क्या लेंगे, ए माइनस डी
ए का मतलब क्या है यहाँ, फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर आपको कहीं ना कहीं फोर टर्म्स कंसिडर करनी है, यानी कि खुद लेके चलनी है जनरल टर्म, तो उसके लिए क्या लेंगे, a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। अगर आपको लेके चलनी है फाइव टर्म्स, तो ये आएगा a-2d, a-d, a+d एंड a+2d। अगर आपको थ्री टर्म्स कंसिडर करनी है तो a-d, a+d, फोर टर्म्स कंसिडर करनी है तो a-3d, a-d, a+d, a+3d एंड फाइव टर्म्स के लिए a-2d, a-d, a+d और a+2d आपके पास आ जाएगा। ये टर्म्स आपको जब यूज करने हैं बच्चों, अगर आपको एपी में है जो सीक्वेंस का वो सम गिवन है, इफ सम इज गिवन। अगर सम गिवन नहीं है तो फिर आप जनरल कैसे लेंगे, देखिए लिखेंगे इसको इफ, कई बार प्रोडक्ट भी गिवन होगा ना, इफ सम इज नॉट गिवन देन द नंबर्स मे बी टेकन एज। अगर सम गिवन नहीं है तो नंबर आप ये ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, a+d, a+2d एंड सो। a+d, a+2d एंड सो। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर फाइव देखिए क्या है, द सीक्वेंस an, द सीक्वेंस an को ऐसे भी लिख सकते हैं, पढ़ेंगे ऐसे इसको, द सीक्वेंस an इज एन एपी। किसी सीक्वेंस को एपी में चेक करने के लिए एक तो रिजल्ट हम ऑलरेडी सीख गए हैं कि रिजल्ट क्या है, द सीक्वेंस an इज एन एपी इफ इट्स nth टर्म इज ए लिनियर एक्सप्रेशन, इफ इट्स nth टर्म इज ए लिनियर एक्सप्रेशन इन एन एंड इन सच ए केस द कॉमन डिफरेंस एंड इन सच ए केस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द कोफिशियंट ऑफ एन, कोफिशियंट ऑफ, यानी कि ये कहता है कि अगर आपको कोई सीक्वेंस एपी में चेक करनी है तो आप उसको लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। उसका मतलब क्या, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए एन और प्लस क्या आएगा, बी। और इस केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा, जो एन का कोएफिशिएंट, एन का कोएफिशिएंट क्या है, ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बोलता है ये, ए एन इज इक्वल टू ए एन, ए एन यहाँ सबस्क्रिप्ट में है बच्चों, ए एन यहाँ मल्टीप्लाई में, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ए और बी आपके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने क्या बोला, जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एन के। तो ये सीक्वेंस है जो इसमें कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आएगा बच्चों, कैपिटल ए के इक्वल आएगा। कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा, कैपिटल ए के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस है, नोट कीजिएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सो दैट द प्रोग्रेशन, आपके पास प्रोग्रेशन या सीक्वेंस है, ये क्या गिवन है, 7 2 -3 -8 एंड सो ऑन इज एन एपी, ये एपी में है या नहीं, और फाइंड इट्स जनरल टर्म, आपने इसकी जनरल टर्म भी निकालनी है, यानी कि ए एन आपको निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो डिफरेंस निकालिए बच्चों हर एक टर्म का। देखिए 2 -7 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, कितना आएगा -5, उसके बाद -3 -2 कितना आएगा -5, -8 -3 तो कितना आएगा -5। कॉमन डिफरेंस क्या है, सभी का सेम है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजक्टिव, यानी कि जो कंटिन्यू टर्म है उनका डिफरेंस कैसा, सेम, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजक्टिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब वो सभी में सेम आया है, इज कॉन्स्टेंट, तो देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन या सीक्वेंस, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, गिवन सीक्वेंस किसमें है, एपी में, वेयर ए, ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 7, और डी कॉमन डिफरेंस कितना है -5, तो देयरफॉर nth term is equal to क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a plus n minus 1 और into d, d कितना common difference -5, तो is equal to -1 + 5 ये आ जाएगा बच्चों 12 - 5, ये आपके पास जनरल टर्म आ जाएगी 12 - 5। जनरल टर्म क्या होती है बच्चों, जैसे n को आप 1 पुट करेंगे तो 12 - 5 - 7 फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n को 2 पुट करेंगे 5 × 2 = 10 2 सेकंड टर्म आ जाएगी, इसको हम कहते हैं जनरल टर्म। सेकंड पार्ट देखिएगा, ये कहता है कि सो दैट द सीक्वेंस an इज इक्वल टू 2n² + 1 इज नॉट एन एपी, ये एपी में है या नहीं, तो इसके लिए क्या करो बच्चों, n + 1 नेक्स्ट टर्म निकाल लीजिए आप, an + 1 इज इक्वल टू 2 में एन की जगह n + 1 का होल स्क्वायर + 1, इसको सोल्व कर लीजिए, आएगा 2n² + 1 + 2n और + 1, ये आ जाएगा आपके पास 2n² + 2 + 4n + 1 इज इक्वल टू 2n² + 4n + 3। अब कर लीजिए इनका डिफरेंस, अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन आता है तो एपी में होंगे वरना नहीं होंगे, एन प्लस वन कितना है 2n² + 4n + 3 माइनस एन कितना है 2n² + 1, 2n² से कैंसिल, 4n और 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, ये तो एन पर क्या करता है बच्चों, डिपेंड करता है, ये जो है एन पर क्या करता है डिपेंड, इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, देखो एन एन नहीं आना चाहिए था, तो आप लिखेंगे विच इज डिपेंडेंट ऑन एन, तो दिस इंप्लाइज सीक्वेंस ए एन इज नॉट एन एपी, तो आपके पास जो ये सीक्वेंस है ये एपी में नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, देखिए फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकालना है और राइट द नेक्स्ट फोर टर्म्स, नेक्स्ट फोर टर्म्स लिखने, देखिए क्या है -1, 1/4, 3/2 एंड सो ऑन, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं बच्चों। नाउ कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा ये 5/4, नेक्स्ट भी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 5/5, इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजक्टिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट, तो हेंस हेंस द गिवन प्रोग्रेशन
हैज द गिवन प्रोग्रेशन या सीक्वेंस इज एन एपी, एपी में है ये, वेयर ए मतलब फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू माइनस वन एंड डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4। nth टर्म निकालते हैं हम इससे पहले, देयरफॉर nth टर्म इज इक्वल टू, देखिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए कितना माइनस वन प्लस एन माइनस वन डी कितना बच्चों 5/4। सॉल्व कर लीजिए एलसीएम, माइनस फोर प्लस 5n माइनस 5 डिवाइड बाय 4 दैट इज an इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 5n बाय 4 आ जाएगा। ठीक, अब उसने हमारे से पूछा नेक्स्ट फोर टर्म्स, तो तीन टर्म तो दे रखे बच्चे उसने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फोर्थ टर्म निकाल, नेक्स्ट फोर यानी कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और निकालने, तो क्या निकालना है a फोर, ए फोर इस डिनोमिनेटर में पुट कर दिया माइनस 9 प्लस 20/4 कितना आएगा ये 11/4। इसी तरीके से ए फाइव माइनस 9 प्लस एन की जगह 5 पुट करेंगे तो 25 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4। ए सिक्स कितना आएगा माइनस 9 प्लस 30 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 21/4 और ए सेवन कितना आएगा माइनस 9 प्लस 35 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, तो ये नेक्स्ट फोर टर्म्स आ गए हमारे पास, तो आप लिखेंगे हैंस द नेक्स्ट, हैंस द नेक्स्ट फोर टर्म्स आर 11/4, 4, 21/4 एंड 13/2 आपके पास आ जाए। कीजिएगा शाबाश क्वेश्चन ये। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्या कहता है बच्चों, फाइंड द 15 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 15 टर्म आपको निकालने हैं स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 8, 18 स्क्वायर रूट और 13 स्क्वायर रूट। इसकी क्या निकालनी है 15 टर्म, 15 टर्म का मतलब ए 15 हमें निकालना है। इसका मतलब क्या बच्चों, हमें ये देखना है कि एपी में है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस देखना सबसे पहले, तो कितना आएगा दैट इज, इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों रूट टू, एट को क्या दे सकता हूँ बच्चों मैं टू रूट टू लिख सकता हूँ, समझे ना, एट को कैसे लिख सकता हूँ रूट एट इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू, टू इंटू टू फोर, फोर का स्क्वायर रूट टू बाहर टू रूट टू। अगले को लिख सकता हूँ बच्चों थ्री रूट टू और 32 को लिख सकता हूँ 4√2। ठीक, कॉमन डिफरेंस सभी का कितना है रूट टू, अब लिखेंगे विच इज एन ए, विच इज एन ए पी, हेयर ए फर्स्ट टर्म कितनी है रूट टू, डी कॉमन डिफरेंस भी कितना बच्चों माइनस रूट टू, तो डी भी किसके इक्वल है रूट टू के। आपको निकालने 15 टर्म यानी कि ए 15, फार्मूला क्या होता है ए रूट टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा, सॉरी एन 15 है ना, तो एन की जगह 15 आ जाएगा, 15 माइनस वन दिस एन 15 है ना ए 15, तो ये आ जाएगा 15 माइनस वन 14√2, 14√2 प्लस रूट टू, तो ये आ जाएगा 15√2। ये आपके पास आंसर, अगर आप 15 को अंदर लेके जाते हो तो 225 इनटू दिस ये आ जाएगा 440 का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास इसका आंसर रहेगा। कीजिएगा शाबाशी काम साथ के साथ। थर्ड पार्ट देखिएगा, फॉर द एपी n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री एंड सो ऑन फाइंड ए एम, ए एम आपको निकालना है इसके लिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखिए बच्चे, जिसमें से टर्म घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस वन आएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये एपी में तो है, हेयर ए इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो कॉमन डिफरेंस कितना बच्चा माइनस वन,
एम का मतलब क्या है, एमएथ टर्म आपको निकालनी है। क्या निकालना आपको, एमएथ टर्म इज इक्वल टू ए एम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस एम माइनस वन डी, ए की वैल्यू कितनी है एन माइनस वन, प्लस एम माइनस वन कॉमन डिफरेंस कितना माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे एन माइनस वन माइनस एम प्लस वन, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन माइनस एम के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसकी एम में टर्म रहेगी एन माइनस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। इफ ए बी सी डी आर इन ए पी देन प्रूव दैट डी माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए। देखिए गिवन क्या बच्चों, सिंस ए बी सी डी आर इन ए पी देयरफॉर देयरफॉर अगर ए पी में तो क्या आएगा बच्चों, बी माइनस ए इज इक्वल टू डी माइनस सी के इक्वल आएगा। कॉमन डिफरेंस बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, डी माइनस सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, सी को इस साइड में ले आइए, तो प्लस का हो जाएगा सी माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी माइनस बी। ये हमें प्रूव करना था। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है बच्चों, वो कहता है कि इफ ए एन इज इक्वल टू माइनस टू एन प्लस फाइव इज एन ए पी, ये ए पी में गिवन है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस है वो जो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिए, फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, ए वन कितना आएगा माइनस टू प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री, ए टू कितना आएगा, ए टू यहाँ एन की जगह टू पुट करेंगे तो माइनस फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू वन, देयर फोर डी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, ए टू माइनस में ए वन इज इक्वल टू वन माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द 18 एंड 23 टर्म। आपके पास सीक्वेंस है माइनस वन फाइव इलेवन और 17, आपको 18 और 23 टर्म जो आपको वो सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर ए कितना बच्चों, हेयर ए इज इक्वल टू माइनस वन, डी इज इक्वल टू फाइव, माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स, तो कॉमन डिफरेंस कितना है डी। तो जनरल टर्म देख लेते हैं पहले, ए एन क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए की वैल्यू कितनी आएगी माइनस वन प्लस एन माइनस वन डी, ये आ जाएगा सिक्स एन माइनस सेवन। तो ए 18 निकालना है, 18 पुट करिए, सिक्स एन की जगह 18 माइनस में सेवन इज इक्वल टू 108, ये आ जाएगा 101। ए 23 ये आएगा सिक्स इंटू में 23 माइनस सेवन, ये आ जाएगा 1 18 28, तो ये आ जाएगा बच्चे 131। ए 18 जो टर्म है वो आएगी आपके पास 101, और ए 23 है वो आएगी 130। तो इस लेक्चर में हमने सीक्वेंस सीरीज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो हमने सॉल्व की है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।